नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा के नए बस स्टैंड पर किन्नरों की ओर से सवारियों से पैसे मांगे गए और पैसे ना देने पर किन्नरों ने बस में तांडव मचा दिया। वो नग्न हो गए और बीच बस स्टैंड पर नंगा नाच करने लगे। जब बवाल की सूचना कार्यरत कर्मचारी भूपेंद्र सिंह को लगी तो भूपेंद्र सिंह ने किन्नरों को समझाया कि आप किसी भी यात्री से बदतमीजी ना करें। इसी को लेकर दोनों में झड़प हो गई और किन्नर सड़क पर नग्न होकर तालियां बजाने लगे। सड़कों पर किन्नरों का तांडव का वीडियो किसी यात्री ने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को लगी तो उन्होंने बस स्टैंड पर कार्यरत कर्मचारी भूपेंद्र सिंह से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। क्या कहा भूपेंद्र सिंह ने, आप खुद ही सुन लीजिए। मथुरा से हमारे संवाददाता ओमवीर सारस्वत की रिपोर्ट। अच्छा, जो किन्नरों का जो आतंक है नए बस स्टैंड में, क्या मामला? 4390 गाड़ी लगी हुई थी, उसमें किन्नर अंदर घुस गए और पैसे मांगने लगे, तो एक दो सवारी ने पैसे नहीं दिए तो उसमें बस में ही अंदर नंगे हो गए। बस में नंगे होने की जब उतर के आए तो हरदार शर्मा एक गाड़ी मालिक है अनुबंधित के, उन्होंने बोला कि कम से कम लेडीज सवारी बैठी थी, ऐसे बदतमीजी तुम्हें बस के अंदर नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों, हम ऐसे ही करेंगे? तो बोले ऐसे ही सभ्यता है। तो उस हरदार शर्मा के सामने भी वो बस स्टैंड पर फिर नंगे हुए, आम पब्लिक के सामने उन्होंने इतना घोर वो किया कि यहाँ पत्रकार भी आ गए, पुलिस भी आ गई उनके सामने, उन्होंने पत्रकार और पुलिस ने स्वयं वीडियो बनाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ और वो ऐसे नंगे होकर घंटों यहाँ दंगा करते रहे। बीच सड़क पर बैठ गए, जबकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस और सब पुलिस है, फिर भी वो सड़क पर बैठ गए और उसकी वीडियो पत्रकार ने स्वयं बनाई थी और वो सबने देखी थी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।